नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुबह 7 बजे के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रो करेंगे आज की तमाम बड़ी खबरों का। और सबसे पहले मध्य प्रदेश के लिहाज से एक और बड़ी जानकारी। लगातार मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर कार्यक्रम का सिलसिला लगातार चल रहा है। मध्य प्रदेश बीजेपी भी इसमें जुटी हुई है। और आपको ये भी बताया कि 30 जून तक देश भर में इसी तरह के 51 कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। आज चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अजमेर पहुंचेंगे, यहां पर प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। बीजेपी ने कार्यक्रम की तैयारियां पूरी कर ली हैं। जिस तरह से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी के नेता लगातार मोर्चा संभाले हुए, उसी प्रकार सिलसिलेवार देश भर में 51 कार्यक्रम किए जाने हैं। केंद्र की मोदी सरकार को 9 साल पूरे हो रहे हैं। लगातार सोशल मीडिया कैंपेन के जरिए भी इसी अभियान को मजबूती देने की कोशिश चल रही है। महाजनसंपर्क अभियान, जिसे बीजेपी की तरफ से नाम दिया गया है। 30 जून तक सिलसिलेवार कई कार्यक्रम, 51 कार्यक्रम होंगे। और आज के कार्यक्रम को लेकर ये जानकारी, अजमेर में पीएम मोदी संबोधित करेंगे। और ग्वालियर की अगली खबर, जहां जमकर बवाल मचा है। कार से बाइक टकराने के बाद बवाल की स्थिति पैदा हुई और कार और बाइक सवार आपस में भिड़ गए। कार सवार युवकों ने बाइक सवार को बीच सड़क पर पीटा है। बाइक सवार पीछे बैठे साथी की भी पिटाई हुई है। कार सवार युवकों ने जमकर मारपीट की। गांधी रोड के आकाशवाणी तिराहे की घटना है। शराब के नशे में कार सवार युवक थे, इस बारे में जानकारी। राहगीरों ने वीडियो भी बनाई, ये तस्वीरें आप देखिए। वीडियो लगातार वायरल होता हुआ महज गाड़ी टकराने को लेकर जो विवाद शुरू हुआ, मारपीट में किस तरह से तब्दील हो गया, तस्वीरें आप देखिए। बीच सड़क बाइक सवार के साथ जमकर मारपीट होती रही। आसपास से देखिए लोग भी गुजर रहे हैं, लेकिन किसी ने बीच बचाव करने की कोशिश नहीं की। एक मामूली सा विवाद जो कि मारपीट में तब्दील हुआ। गांधी रोड के आकाशवाणी तिराहे की तस्वीरें आप पीछे इस पेज पर सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है। ग्वालियर से विवाद की तस्वीरें सामने आई हैं। आपको बता दें कि मामूली सा विवाद था, गाड़ी टकरा गई थी, लेकिन इसके बाद बहस बढ़ी। बहसबाजी के बाद मारपीट तक नौबत आ गई। बीच सड़क कार सवार युवकों ने बाइक सवारों को जमकर पीटा। और अगली बड़ी खबर बिलासपुर से है, जहां रतनपुर में पीड़िता को धमकाने का मामला सामने आया था। आरोपी आफताब के पिता के खिलाफ फिलहाल केस दर्ज हो चुका है। पिता फैज के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। कॉल रिकॉर्ड की जांच के बाद एफआईआर दर्ज की गई। पीड़िता की मां को भी धमकाने का आरोप है। धारा 506(b)(214) के तहत रतनपुर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। तो रतनपुर में पीड़िता और पीड़िता की मां को धमकाने का यह पूरा मामला सामने आया था। इसे लेकर अब आरोपी के पिता के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। आरोपी आफताब, इसको लेकर भी कार्रवाई का सिलसिला लगातार चलता हुआ, और पिता फैज के खिलाफ भी अब एफआईआर दर्ज हुई है। और कांकेर की अब चर्चा करेंगे, जहां न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। 21 लाख लीटर पानी बर्बाद करने के मामले में जल संसाधन विभाग ने फूड इंस्पेक्टर को नोटिस जारी कर दिया। नोटिस में फूड इंस्पेक्टर को 53,092 रुपए जमा कराने होंगे। साथ ही साथ आरोपी फूड इंस्पेक्टर को ये रिकवरी राशि 10 दिन के अंदर ही जमा करानी होगी। फूड इंस्पेक्टर का मोबाइल जलाशय में गिर गया था, आपको निश्चित ही मामला याद होगा। मोबाइल पाने के लिए आरोपी ने जलाशय का पूरा पानी पंप के जरिए बाहर निकाल दिया था। इस खबर को न्यूज 18 लगातार प्रमुखता से दिखा रहा था। और खबर दिखाए जाने के बाद आरोपी को सस्पेंड भी किया गया और अब रिकवरी का नोटिस जारी हुआ है। तो 21 लाख लीटर पानी इसमें बर्बाद हो चुका था, जिसमें आसपास के गांव के खेतों में सिंचाई की जा सकती थी, कई लोगों की प्यास बुझाई जा सकती थी। गंभीर मामला था। लगातार न्यूज 18 प्रमुखता से इस खबर को दिखा रहा था। फौरन संज्ञान लेते हुए सबसे पहले कलेक्टर ने सस्पेंड किया आरोपी को और अब रिकवरी का नोटिस जारी हुआ है। और जगदलपुर की अब चर्चा करेंगे, जहां एक बार फिर से धर्मांतरण का मुद्दा गरमाने लगा है। कंटीनार ग्राम पंचायत के लोग धर्मांतरण के खिलाफ लामबंद हो चुके हैं। इन लोगों ने आरोप लगाया कि पिछले 3 साल से बाहरी लोग लालच देकर धर्मांतरण करवा रहे हैं। गांव के लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे, प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। इन लोगों का कहना है कि गांव के कुछ लोग मंदिरों में पूजा में भी शामिल नहीं हो रहे हैं, क्योंकि बाहरी लोग आकर धर्मांतरण करवाने की कोशिश कर रहे हैं।
जगदलपुर का ये पूरा मामला। बस्तर में एक बार फिर से धर्मांतरण का आरोप और कलेक्ट्रेट पहुंचे ग्रामीण, शिकायत की है कि बाहरी लोग धर्मांतरण कराने की कोशिश कर रहे हैं। और एक और बड़ी खबर, विश्व योग दिवस पर प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश आने वाले हैं। 21 जून को जबलपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रह सकते हैं, योग दिवस के कार्यक्रम में वो शामिल हो सकते हैं। विश्व योग दिवस पर बीजेपी एक बड़ा कार्यक्रम करने की भी तैयारी में, बीजेपी ने आयोजन की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। भाजपा महासंपर्क अभियान भी शुरू हो चुका है। मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों का बड़ा आयोजन, इसके तहत प्रधानमंत्री जबलपुर में भी आएंगे। कार्यक्रम में पीएम से आने का आग्रह जरूर किया गया है। हो सकता है कि इस इन्विटेशन को एक्सेप्ट कर जल्दी ये सूचना सामने आए कि उनका दौरा तय हो गया है। और इंदौर में आज गौरव दिवस मनाया जाएगा। इस कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान शिरकत करने वाले हैं। जिला प्रशासन ने कार्यक्रम की तैयारियां भी पूरी कर ली हैं। नेहरू स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में बॉलीवुड का प्लेबैक सिंगर्स का तांता भी लगेगा। सुनिधि चौहान यहां पर परफॉर्म करने वाली हैं और उनके आगमन को लेकर भी तमाम तैयारियां यहां पूरी हो चुकी हैं। इंदौर और भोपाल दोनों ही शहरों का गौरव दिवस आज मनाया जाना है। इंदौर की खास तौर पर अगर हम बात करें तो तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री खुद शिरकत करेंगे और बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर सुनिधि चौहान प्रस्तुति देंगी। और भोपाल का भी आज गौरव दिवस मनाया जाना है। समारोह का भव्य आयोजन यहां पर होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी और भोपाल गौरव मैराथन को हरी झंडी दिखाकर यहां पर सीएम रवाना करने वाले हैं। 4 जून तक चलने वाले समारोह में कला, संस्कृति, फूड स्टॉल, खेलों से जुड़े विभिन्न आयोजन भी होंगे। समारोह का मुख्य आकर्षण 1 जून को मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर श्रेया घोषाल, गीतकार मनोज मुत्तशिर, कॉमेडियन कृष्णा सुदेश की प्रस्तुति से होगा। और भोपाल कलेक्टर आशीष सिंह ने भोपाल गौरव दिवस को लेकर शहरवासियों को इस मैराथन में शामिल होने का आह्वान किया है। और अब चर्चा करेंगे सीहोर जिले की। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सीहोर जाने वाले हैं। सलकनपुर में सीएम शिवराज देवी लोक के निर्माण का भूमि पूजन करेंगे। 3 दिन देवी लोक महोत्सव का आयोजन यहां पर किया जाना है। महोत्सव के समापन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल होने वाले हैं। सीहोर दौरे पर आज मुख्यमंत्री सलकनपुर में देवी लोक के निर्माण का भूमि पूजन, 3 दिन देवी लोक महोत्सव का आयोजन यहां पर हो रहा है। महोत्सव के समापन कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। और अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल की। बेरोजगारों को एक बड़ी सौगात उन्होंने दी है और बेरोजगारी भत्ते के तहत जो कि सामने आया, आज भी ये सौगात का सिलसिला जारी रहेगा। आज बेरोजगारी भत्ते की दूसरी किश्त मुख्यमंत्री जारी करने वाले हैं। सीएम बघेल बेरोजगारों के खाते में ट्रांसफर करेंगे रुपए 1,05,395। युवाओं के खाते में राशि ट्रांसफर की जाएगी। 32,35,25,000 रुपए की राशि ट्रांसफर की जाएगी। बेरोजगारी भत्ता उसकी पहली किस्त पहले से ही मुख्यमंत्री जारी कर चुके हैं। दूसरी किस्त का समय आज मुख्यमंत्री खातों में ये राशि ट्रांसफर करने वाले हैं। बेरोजगारी भत्ते को लेकर हालांकि सियासत भी लगातार बढ़ी प्रदेश में, लेकिन इसी बीच मुख्यमंत्री की तरफ से ये घोषणा कि दूसरी किस्त आज जारी की जानी। तो आज 32,35,25,000 रुपए की राशि ट्रांसफर की जाएगी। 1,05,395 युवाओं के खातों में ये राशि सिंगल क्लिक के जरिए ट्रांसफर होगी। सीएम बघेल बेरोजगारों के लिए बेरोजगारी भत्ते को लेकर पहले ऐलान कर चुके थे। बजट के दौरान पहली किस्त जारी हुई, उसके बाद लगातार विपक्ष की तरफ से भी हमला। कई दलों ने कोशिश भी की सरकार को घेरने की, लेकिन उसके बावजूद ये योजना और ये जो क्रियान्वयन था प्रोसेस वो लगातार चलती रही और आज दूसरी किस्त मुख्यमंत्री जारी करने वाले हैं। सही कि ममता हमारे साथ जुड़ रही हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। ममता, क्या कुछ होना है आज उस कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दूसरी किस्त जारी करेंगे? और
बिल्कुल, देखिए आज 11 बजे सीएम हाउस में ये आयोजन होगा और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बेरोजगारी भत्ते की जो दूसरी किस्त है वो जो है वो खातों में जो है वो भेजेंगे। और पहले अगर हम बात करें तो पहले इसके पहले बेरोजगारी भत्ते की पहली किस्त के रूप में 66,185 युवाओं को 16,54,62,500 रुपये की राशि दी गई थी। और आज अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 1,05,395 युवाओं को बेरोजगारी भत्ते की राशि जो है वो जारी करेंगे और इसमें से 32,35,25,000 रुपए का अंतरण होगा। और अभी तक अगर हम बात करें तो कुल 1,05,395 युवाओं के खातों में 48,79,87,500 रुपए की जो राशि जो है वो अंतरित होगी। और कांग्रेस जब विपक्ष में थी तो उन्होंने अपने घोषणा पत्र में ये वादा किया था कि वो बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे और जाहिर तौर पर इसको लेकर जब तक बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जा रहा था तब तक बीजेपी लगातार आक्रामक थी। और उसके बाद में अगर हम बात करें तो हालांकि अभी भी इसे लेकर जो है वो सियासत शुरू है। जिन लोगों को बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है उन्हें सिर्फ एक साल तक बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा या और करीबन उसके बाद में उन्हें जो है वो कौशल उन्नयन इस दौरान जो है वो करना पड़ेगा, कोई ना कोई जो कौशल है वो सीखना पड़ेगा ताकि वो अपने पैर पे खड़े हो सके। तो जाहिर तौर पर आज एक बड़ी सौगात जो है वो जो युवा है उनको मिलने वाली है और दूसरी किस्त के रूप में ये राशि जो है वो हस्तांतरित की जाएगी और लगातार रजिस्ट्रेशन जो है वो हो रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपको ममता इस पूरी जानकारी को साझा करने के लिए। तो आज मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, दूसरी किस्त बेरोजगारी भत्ते की जारी करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं सूरजपुर से अगली बड़ी खबर, जहां जिले की 3 पंचायतों में ब्लैकआउट की स्थिति है। पिछले 4 दिनों से ब्लैकआउट लगातार चल रहा है, तूफान में बिजली के खंभे उखड़ गए थे, ग्रामीणों की समस्याएं भी अब लगातार बढ़ती हुई। पछरा बेल टिकरी गांव का यह पूरा मामला है, सुधार कार्य के नाम पर खानापूर्ति का आरोप ग्रामीणों की तरफ से लगाया जा रहा है। सूरजपुर का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं, पिछले 4 दिनों से ग्रामीण बिजली की समस्या से जूझ रहे हैं। ये भी आरोप है कि विभाग की तरफ से सुधार कार्य नहीं करवाए जा रहे हैं, खानापूर्ति की कोशिश लगातार चल रही है। पचरा और बेलटिकरी गांव का ये पूरा मामला, 4 दिनों से ब्लैकआउट की स्थिति पूरे गांव में, लगातार यहां पर लोग परेशान होते हुए, तूफान के चलते यहां पर खंभे उखड़ गए थे बिजली के और उसके बाद से अभी तक बिजली को खंभों को सुधारा नहीं। उदासीनता से पचीरा समेत 3 गांव के पंचायत के जो लोग हैं बेहद परेशान हैं। बीते 3-4 दिनों से ब्लैकआउट की स्थिति इस गांव में बनी हुई है। यहां आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से ये रात के वक्त यहां बिल्कुल ब्लैकआउट की स्थिति बनी हुई है। यही हालात 4 दिनों से बने हुए हैं क्योंकि एक चक्रवाती तूफान के कारण गाँव के जो विद्युत खंभे हैं और कई उपकरण हैं वो क्षतिग्रस्त हो गए थे। नतीजा ये है कि गाँव के जो लोग हैं इस भीषण गर्मी में बेहद परेशान हैं, चाहे वो बोरवेल की बात हो या कृषि उपकरण की, सभी व्यवस्थाएं ठप पड़ी हुई है और रात को जगह करने को ग्रामीण परेशान है, महिलाएं खासकर बच्चों को लेकर बेहद परेशान है। ऐसे में आने वाले दिनों तक इस ब्लैकआउट की स्थिति और प्रशासनिक और विद्युत विभाग की उदासीनता कब तक बरकरार रहती है और ग्रामीणों को ब्लैकआउट से कब तक निजात मिल पाता है, यह तो देखने वाली बात होगी। वरुण राय, न्यूज 18 सूरजपुर। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे खरगोन की, जहां पेट्रोल पंप से 15 लाख की चोरी हुई है। बड़वा के पास इंदौर रोड से पेट्रोल पंप पर यह वारदात हुई। फ्यूल लेने आए 2 युवकों ने गले से चोरी कर ली है। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है। नाकेबंदी की पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई है। नाकेबंदी कर पुलिस की तरफ से यही कोशिश कि आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। यही वो पेट्रोल पंप जहां गले से चोरी हुई, 15 लाख की चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। ये तस्वीरें आपको सीसीटीवी कैमरे की भी हम दिखा रहे हैं। आरोपियों की तस्वीरें साफ तौर पर इस कैमरे में कैद हुई है और इसी तस्वीर के आधार पर पुलिस नाकाबंदी कर इन्हीं आरोपियों की तलाश में लगातार जुटी हुई है। फ्यूल लेने आए 2 युवक गले से चोरी कर ले गए रुपए। हालांकि पास लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी तस्वीर कैद हो गई है। इसके आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश जल्द करने का दावा करती है। बड़ी वारदात, 15 लाख रुपए की चोरी पेट्रोल पंप से। पेट्रोल भरवाने के बहाने आरोपी यहां पर पहुंचते हैं और मौका देखते ही गले से रुपए लेकर फरार हो जाते हैं। देखिए कितनी आसानी से युवक यहां पर बैठा, गले से पैसे निकाले और यहां से फरार हो गया। किसी को कोई धमकाने की कोशिश नहीं, आसपास किसी को शक ना उसकी बिल्कुल हलचल भी नहीं और आसानी से रुपए लेकर ये व्यक्ति यहां से फरार हो जाता है। 2 युवक थे, 2 बदमाश थे जो यहां पर पहुंचे, चोरी की वारदात को अंजाम दिया।
और उसके बाद यहाँ से रफू चक्कर हो गए। हालांकि अब चूंकि जैसे ही अंदाजा लगा इस पूरी वारदात का, पुलिस को सूचना दी गई। सहयोगी आशुतोष इस पर ज्यादा जानकारी देंगे। आशुतोष, क्या कुछ हुआ है वारदात के दौरान और पुलिस की तरफ से अभी तक क्या कार्रवाई? अवंतिका, मैं बताना चाहूंगा 2,15,000 की ये चोरी है और बड़े सुनियोजित तरीके से चोरी की गई। बड़वाह से करीब 3 किलोमीटर दूर ये पेट्रोल पंप है और ये मंगलवार रात की घटना बताई जा रही है। अचानक दो लोग पहुंचते, चोर है और आयल लेने के लिए 2,000 रुपए का नोट लेके एक युवक पहुंचता है और बोलता है कि आयल लेना है, 1 लीटर आयल दे दिया जाए। तो उन्होंने कहा इतने कम पैसे में 2,000 रुपए का नोट बहुत बड़ा नोट है, इसको खुले कराने में दिक्कत आएगी। तो उसके बाद एक युवक जो है केशियर के साथ, तो केशियर ऑफिस में चला जाता है, दूसरा युवक वहाँ आयल के पास ही खड़ा रहता है। और केशियर रूम में जब वो खुल जाता है, खुलने के बाद वहाँ अंदर जाकर फिर बोलता है कि चलो 5 लीटर आयल दे दीजिए। वो बाहर युवक खड़ा है, उसको 5 लीटर आयल दे दीजिए और वो बाहर चला जाता है। उसको एक प्रकार से पूरे सुनियोजित षड्यंत्र करते हुए गल्ले में जो पैसे रखे थे वो नोट जो है बांध के रखे थे, क्योंकि रात का समय था और उसको घर ले जाना होता है पेट्रोल पंप मालिक को, और उसी के लिए कर्मचारियों के द्वारा 2,15,000 रुपए हैं और इनको एक बंडल बना के रखा था। आप न्यूज 18 के विजुअल में देख सकते हैं, वो आसानी से कुर्सी पे बैठता है और जब वो केशियर बाहर चला जाता है आयल देने के लिए और उसको बंडल को लेकर, और वो दोनों थोड़ी देर में रफू चप्पर हो जाते हैं। हालांकि पुलिस ने चारों ओर नाकेबंदी कर दी। जगदीश गोयल TI जो बड़वाह है, उनका कहना है कि जल्दी CCTV फुटेज में जो आए हैं उसके आधार पर विवेचना की जा रही है और जल्दी ही आरोपी को पकड़ने के प्रयास होंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आशुतोष जानकारी के लिए। और सारंगढ़ से अगली बड़ी खबर है, जहां जमीनी विवाद में खूनी संघर्ष हो गया है। मारपीट में एक शख्स की मौत हो चुकी है। मकान निर्माण के दौरान दीवार को लेकर ही पूरा विवाद शुरू हुआ था और पुलिस ने आरोपी और उसके दो बेटों को हिरासत में भी ले लिया है। कोसिर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत कोसिर का यह पूरा मामला। बस्तर क्षेत्र में शिक्षक के तौर पर मृतक काम कर रहा था, लेकिन उसके बाद ये पूरी खबर सामने आ गई है। मकान निर्माण के दौरान दीवार खड़ी करने को लेकर ही पूरा विवाद शुरू हुआ, खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। मारपीट के दौरान एक शख्स की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि शिक्षक के तौर पर बस्तर क्षेत्र में ये व्यक्ति काम कर रहा था और जमीनी विवाद के चलते उसकी मौत हो गई। मारपीट की गई इस शख्स के साथ। पुलिस ने हालांकि आरोपी और उसके दो बेटों को हिरासत में लिया है, पूछताछ लगातार चल रही है। मकान निर्माण के दौरान दीवार को लेकर बताया जा रहा है कि पूरा विवाद शुरू हुआ, उसके बाद मारपीट तक बात आ गई। खूनी संघर्ष की स्थिति तब जब मारपीट में एक शख्स की जान चली गई। सारंगढ़ का यह पूरा मामला आपको बता रहे हैं। पुलिस ने आरोपियों को फिलहाल हिरासत में लिया है। कोसिर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत कोसिर का यह पूरा मामला। बस्तर क्षेत्र में शिक्षक के तौर पर मृतक काम करता था, लेकिन मकान निर्माण को लेकर जो विवाद था इतना बढ़ा कि आखिरकार उसकी जान चली गई। मारपीट उसके साथ हुई और उसके बाद इलाज के दौरान इस शख्स की मौत हो गई। जमीनी विवाद में खूनी संघर्ष का यह पूरा मामला सारंगढ़ से। बड़ा मामला सामने आया सारंगढ़ से और ये तस्वीरें भी आप देखिए किस तरह से जमीनी विवाद में जमकर मारपीट हुई। मारपीट के दौरान एक शख्स इतना घायल हुआ कि उसकी इलाज के दौरान जान चली गई, लेकिन महज एक दीवार के निर्माण को लेकर यह पूरा विवाद था इतना बढ़ा कि खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। शिक्षक के तौर पर काम कर रहा था मृतक बस्तर क्षेत्र में। इस विवाद के चलते मारपीट उसके साथ और अंततः उसकी जान चली गई। पुलिस ने फौरन कार्रवाई भी की, आरोपी और उसके दो बेटों को गिरफ्तार किया है, पूछताछ उनसे की जा रही है। विवाद का भी अभी तक पुलिस को पूरी तरह से पता नहीं चल पाया, तफ्तीश में लगातार जुटी हुई। परिजनों से भी जानकारी जुटाने की कोशिश की, क्या पहले भी इस तरह से मारपीट इस व्यक्ति के साथ होती रही या क्या कुछ विवाद रहा। पारिवारिक तौर पर बयान भी लगातार स्पष्ट करने की कोशिश। और ये तस्वीरें आप देखिए मारपीट की, दो गुट आपस में भिड़ते हुए। एक व्यक्ति है जो कि शिक्षक के तौर पर बस्तर में काम कर रहा था, इस व्यक्ति के साथ भी मारपीट होती है। जमीनी विवाद के चलते मामला इतना बढ़ा, इस व्यक्ति के साथ मारपीट और उसके बाद उसकी मौत हो गई। आरोपी और उसके दो बेटे पुलिस गिरफ्त में है, पूछताछ उनसे की जा रही है।
सारंगढ़ की पूरी घटनाएं मारपीट के बाद ये बात इतनी बढ़ी कि खूनी संघर्ष में तब्दील हो गई। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए न्यूज 18।